यादव समाज को जाति सूचक गालियां देने वालों पर हो FIR। यह बात यादव समाज यदुवंशी संगठन के नवनियुक्त ग्रामीण जिला अध्यक्ष माधव यादव ने आक्रोश रैली के दौरान कही। यह आक्रोश रैली दबोह नगर के हायर सेकेंडरी स्कूल से थाने तक करनी सेना विरोधी नारे लगाते हुए निकाली गई, जिसके चलते माधव यादव के नेतृत्व में समस्त यादव समाज ने थाना प्रभारी दबोह को भिंड पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बीते दिनों करनी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने यादव समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके चलते यादव समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। उन्होंने कहा कि करनी सेना के द्वारा इस तरह की नारेबाजी कर सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। करनी सेना की इस हरकत से दबोह में यादव समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। माधव यादव ने कहा कि अगर संबंधित लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो यादव समाज एकत्रित होकर एक विशाल प्रदर्शन करेगा। इस दौरान राजेंद्र यादव, प्रहलाद यादव, ब्रजेंद्र यादव के साथ यादव समाज के कई आसपास क्षेत्र के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। टीम भारती न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल यादव है। आज ज्ञापन सौंपा गया, क्या मामला है? ज्ञापन करनी सेना के विरुद्ध सौंपा गया है, जो कि करनी सेना ने हमारे यादव समाज को भद्दी गाली दी है माँ बहन की। ऐसी गाली गलौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल समाज आहत होती है, हर वर्ग, किसी भी वर्ग को यदि आप गाली दो तो उस वर्ग में आक्रोश पैदा होता है। इसलिए हमारी मांग है कि इन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो और इस पर मध्य प्रदेश गृह विभाग एक्शन लेते रहे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे आप? कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रदेश को प्रदर्शन भुगतना होगा। क्या नाम है आपका? भारत सिंह यादव। यादव समाज ने आज दबोह थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा, क्या मामला है? मामला ये कि छतरपुर में जो कुछ करणी सेना के लोगों ने असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने यादव संपूर्ण यादव समाज को गाली दी है और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को का नारा लगाया, जय श्री राम, उनको भी बदनाम किया है। यानी कि जय श्री राम बोलने वाले कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी से किसी को बुरा नहीं कहते। तो मैं ये मांग करता हूँ कि संपूर्ण उन राजपूतों पर धारा लगाई जाए, संवैधानिक धारा लगाई जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए तत्काल। क्या मामला है? ये मामला हमारे अपने मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है, जिसमें कुछ लोग करणी सेना के एक आंदोलन में यादव समाज को जाति सूचक गालियां दी गई माँ बहन की, जिसका वीडियो मेरे पास है। तो उन्होंने क्या है कि आप पूरे समाज को लेकर जो गाली दी हैं, इससे पूरे प्रदेश में आज भारी आक्रोश है यादव समाज में। क्या है कि इन्होंने पूरी जाति सूचक यादवों को गाली दी है, इसके चक्कर में जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं SP के नाम, राज्यपाल के नाम, कि अगर ये ज्ञापन अगर इनके ऊपर FIR नहीं होगी तो मैं क्या है कि पूरा यादव समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। ज्ञापन में क्या कुछ मांग की आपने? ज्ञापन में ये कुछ करणी सेना में कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनके द्वारा क्षमा मांगे, उनके द्वारा जो गालियां दी गई हैं उनको प्रशासन उन पर FIR कराए, रासुका की धारा लगाए, बलवा की धारा लगाए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में दंगा पैदा कराने की स्थिति में ऐसे बयान करते हैं। अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या करेंगे आपकी समाज? अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूरा यादव समाज प्रदेश का जगह जगह बहुत बड़े बड़े आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी की शासन की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधव सिंह यादव। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।